जय हिंद जय कबड्डी दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रोहल और आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ आज आपके अपने चैनल कबड्डी न्यूज़ 107 पर। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो मलेशिया से आ रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मलेशिया में जो कबड्डी है उसको कैसे खेला जाता है, उसकी जो लोकप्रियता है, वो कबड्डी की जो लोकप्रियता है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूर देशों में, दूसरे देशों में भी, विदेश में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये मलेशिया की एक राज्य की टीम है जो अभी आपके सामने खेल रही है और इसमें वही टेक्निक वो यूज कर रहे हैं जो हम टेक्निक यूज करते हैं, तो टच किक, एंकल होल्ड। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो दोनों टीमें हैं वो ठीक ढंग से यानी कि उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे कबड्डी को खेला जाता है, यानी कि इनको पता है हर टेक्निक के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो ये दर्शाती है कि कबड्डी की लोकप्रियता आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ती ही जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यदि आप कबड्डी से प्यार करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लेना यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी यह जो खिलाड़ी है वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ कबड्डी के बारे में बोलेंगे, तो चलिए आपको वो बातें सुनाते हैं। நான் கடந்த 5 வருஷமாக கபடி விளாண்டுருக்கேன். எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து கபடி பெற்ற தோன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில்லை, இப்போ இடையில தான் கொண்டு வந்தாங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து வந்துட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூலில் வந்து நிறைய பேர் கபடி விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னன்னா நாய்க்காரவங்க, சீனவங்க, மற்ற இனத்தவங்க விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு காலப்போக்கில் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா தமிழர்கள் குறைஞ்சி மற்ற இனத்தவங்க வந்து இந்த கபடி விளாட்டி அவங்களோட விளாட்டை மாற்றிடுவாங்க. இது நம்ம எடுத்து நம்ம பார்த்து நம்ம பெற்றோர்களான நீங்களாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கபடியை பற்றி எடுத்துக்கோங்க. இந்த லாட்டை நம்ம தான் எடுத்து பாதுகாப்போம், நம்ம லாடாமல் வேற விளாட போகிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பிரியவர்ஷினி, நான் ஸ்ரீரங்கவில் பயில்கிறேன். நான் ஒரு வருஷமாக கபடி ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு கபடியில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதனால் பெற்றோர்கள்லாம் அவங்க மாணவர்கள் வந்துட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு கபடியில் ஆர்வம் காட்ட வேணும். ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கபடி நன்றி.